अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मास लिटिल वर्ल्ड। रमदान मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ अस एंड मे अल्लाह गिव तौफीक टू ऑल ऑफ अस टू डू गुड थिंग्स एंड बी पेशेंस एंड गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड थिंक्स एवरीबॉडी इज ह्यूमन एंड एवरीबॉडी हैज़ फीलिंग्स, सो डोंट हर्ट एनीबॉडी फीलिंग्स। सो दैट्स इट एंड आई एम जस्ट हैविंग माई वन फ्राइड एग एंड उसके साथ जो है मैंने एक नुटेला बन बनाया था एंड आई जस्ट टोस्टेड माय ब्रेड, सम एलमंड्स, वन फिग एंड वन डेट एंड अ लवली कप ऑफ टी। सो दैट वाज माय सहर। सो अभी जो है मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ और मैं अभी आज गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने खुद, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मैं खुद से नहीं गई थी और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो कि मुझे लेनी थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स गो एंड हैव इट। तो आज मैं काफ़ी वन एंड हाफ मंथ के बाद जो है वो बाहर निकली हूँ ग्रॉसरी करने। सो आई जस्ट गॉट दीज थिंग्स और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि किंग्स मिल ब्रेड जो है काफ़ी दिनों के बाद मिली है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि किड्स को फ्री। सो आई वॉज थिंकिंग कि अभी तो लॉकडाउन है सो किड्स हाउ कैन दे गो। सो मे बी होप सो जब समर आएगा तो सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए और एवरीबॉडी कैन इन्जॉय और ये सब ये टिश्यू से कट और इसके अलावा ये लॉलीज थी, फ्रूटी लॉलीज, इसके अलावा स्पंज केक था और ये समर फ्रूट्स थे फ्रोजन टू मेक स्मूदी। सो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और जो है वो ब्लैकबेरीज भी लेके आई हूँ और ब्लूबेरीज, तो वो उसको भी मैंने फ्रीज करना है फॉर स्मूदी। सो ये भी मुझे नज़र आए थे फ्रोजन सेक्शन में, सो आई जस्ट गेट दिस वन आल्सो। और ये यहाँ पे जो मेरे लोकली स्टोर है कोऑप, ये छोटा है सो यहाँ पे जो लिमिटेड चीज़ें ही मिलती हैं। और उसके अलावा ये बनानास थे, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज थी और ब्लूबेरीज थी, इन दोनों को मैंने फ्रीज करना है। इसके अलावा ये टोमेटोज के 2 बैग्स थे एंड उसके अलावा ये बच्चों के लिए वाइल्ड लाइफ वेराइटी चूप्स थी और मेरे बेटे को ये अच्छी लगती हैं क्योंकि इसके हर पैक के ऊपर जो है एक जोक लिखा होता है तो मुझे आके सुनाता है, सो आई जस्ट गेट इट फॉर हिम। उसके बाद मेरे पास जो है ये एवेपोरेटेड मिल्क है, सो इसके अंदर 9% मिल्क है और इसके अलावा ये हार्टलेस की मैंने जेलीज ली थी और इस वेजिटेरियन अप्रूव्ड और ये मुझे बनानी थी डिज़र्ट। और पाइनएप्पल लिया था मैंने 2 कैन, वहाँ पे ये छोटे वाले अवेलेबल थे सो आई जस्ट गॉट 2। इसके अलावा मेरे पास ये एम्ब्रोसिया का डिलक्स कस्टर्ड है फॉर मेकिंग अ डिज़र्ट। इसके अलावा मेरे बेटे के फेवरेट बिस्किट्स थे दोनों के और ये ओरियो बाइट्स फॉर मी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस इफ़ यू डिडंट ट्राई इट यू मस्ट ट्राई इट, इट्स वेरी वेरी टेस्टी और ये मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी क्या हो रहा है जी, अभी बनने लगे हैं पकोड़े और उसके लिए ये जो है आलू कट चुके हैं और बेसन इज़ रेडी और कुछ जो है वो फ्लैट शेप में आलू काटे थे उसके बाद ये कुछ मैंने स्ट्रिप्स में काट लिए थे और अब बन रही है मेरी फेवरेट स्मूदी स्ट्रॉबेरीज और उसके लिए मैंने जो है स्ट्रॉबेरीज को जो ब्लेंड कर लिया था और अब चाहें तो उसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं बट आई डिडंट क्योंकि मैंने सोचा कि वैसे ही इतनी एक्स्ट्रा शुगर जो है वो जा रही है तो इसके क्योंकि फ्रूट्स में भी शुगर होती है सो इट्स बेटर ऑप्शन कि आप ट्राई करें कि यू कैन हैव लेस शुगर और अगर हनी ऐड करना है तो हनी जो है शुगर से तो बेस्ट है, अगर वो आपने करना है तो यू कैन ऐड इट। और अभी जो है मैं क्या बनाने लगी हूँ, ये मैंने बनाए थे कुछ पकोड़े और उसी को जो है मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में काट लिया था जो फ्लैट थे और उसको जो है अब इसके दही भल्ले बनाऊंगी और ये मेरी कुछ अपनी ही क्रिएशन है
क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरी अम्मी जो है फ्लैट इस तरह के जो टिक्कियाँ सी बना के आलू की उसको दही में डाल देती थी, तो मेरे जहन में अभी तक उसका टेस्ट आता है। सो आई जस्ट थॉट इट वाई नॉट मेक इट। तो मैं ये हर रमदान जो है मोस्टली इसको मैं बनाती हूँ। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट राइट नाउ। सो उसके लिए वही जो दही भल्लों की चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं मिनिमम चीज़ें जो है अपने खानों में यूज़ करती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मच थिंग्स इन माई फूड। सो आई जस्ट ब्लेंड द जस्ट बीट योगर्ट स्पाइसिस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आई जस्ट एड चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और दैट्स इट। तो बच्चों के लिए ये फूड है स्वीट कॉर्न, दे वांट टू ईट। एंड बच्चों को भी अफ्तार से पहले भूख लग गई थी, तो उनके लिए उनका जो है वो स्नैक कह लें या फिर सफ़र कह लें या जो मर्ज़ी बोल लें, तो ये बच्चों के लिए। और नाउ अफ्तार टाइम इज़ हियर। वी जस्ट कट सम फ्रेश फ्रूट्स, उसमें जो है ऑरेंजेस हैं, सम स्ट्रॉबेरीज हैं, डेट्स एंड पकौड़ाज, सम पकौड़ाज एंड सम दही बल्लास जो कि पकौड़ा से ही बने हुए हैं, एंड सम रूह अफ़ज़ा एज़ वेल। और मेरी स्मूदी थी और दैट्स इट। सो वी कीप आवर अफ्तार एज मिनिमम, क्योंकि इतना ज़्यादा आपसे नहीं खाया जाता। एंड इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट योर फूड एंड लास्ट। और अभी जो है मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ, और ये जो है मैंने पहले ही बना ली हुई थी। तो अफ्तार तो हो गई थी और ये मैंने खिचड़ी जो है वो पहले बनानी थी। सो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है 1/4 कप जो है वो ये माश दाल छिलका वाली ली थी, और उसको मैंने जो है वो 2-3 आवर्स के लिए डिप कर दिया था। अब उसको मैं जो है 1.5 कप पानी डाल के और मैं इसको जो है वो रख दूँगी बॉयल होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और मैंने इसको 1 आवर के लिए जो है इसको छोड़ दिया था, और आफ्टर 1 आवर मैंने इसको चेक किया था तो इट वाज़ रेडी। और नाउ आई एम गोइंग टू डिप माय राइस। और राइस जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये राइस जो है बहुत अच्छे थे, कोहिनूर बासमती राइस हैं ये। और आई एम जस्ट गोइंग टू डिप माई राइस, और उसके लिए मैंने 1.5 कप राइस लिए थे। और अभी जो है दाल जो है वो गल चुकी है, और अब मैं इसका जो है एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसको मैं ड्राई कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस ऐड करने होंगे वेरी मिनिमम, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले और इस तरह की स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो कीप मिनिमम और स्टे हेल्दी। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर लिया था, और हल्दी थी और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये वो खिचड़ी है कि जैसे मैं खुद बनाती हूँ, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक, और मुझे ये बहुत आसान लगती है। इट्स वेरी वेरी गुड इन टेस्ट एज वेल। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट, यू विल लव इट। और अभी जो है दाल गल की थी, उसके अंदर मैंने मसाले भी डाल दिए थे, और अभी जो है इसके अंदर पानी डाल दिया था जितना राइस के अंदर डालना। 1.5 कप मैंने राइस दिए थे, और उसके अंदर मैंने वो 2 कप और उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1/2 कप से नीचे जो है वो पानी डाला था, और राइस पीस के अंदर ऐड कर दिए हैं। और जब ऐसे बबल्स बनना शुरू हो गए थे तो मैंने इसको दम पे लगा दिया था, एंड आफ्टर 8 मिनट्स आई जस्ट ओपन द दम एंड इट्स रेडी। और इसको मैंने अचार के साथ और लेमन पिकल एंड मैंगो पिकल के साथ और थोड़ा सा ऊपर मैंने बटर डाला था। सो गाइस लुक हाउ अमेजिंग इट्स लुकिंग, एंड इट वाज वेरी वेरी टेस्टी। और कभी कभी मुझे क्रेविंग होती है इस तरह खिचड़ी खाने की, सो मैं अक्सर जो है वो खिचड़ी बनाती रहती हूँ। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छी लग रही है खिचड़ी खाना। सो इट वाज वेरी वेरी टेस्टी। यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट वॉज द, तो ये थी आज की वीडियो एंड माई रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट इन वीडियो एज वेल। एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड इन्जॉय रमदान, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड बी पेशेंस एंड मे अल्लाह फॉरगिव अस।
एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.